इंतजार की घड़ी खत्म, डेडलाइन तय, अब होगी नौकरी की बरसात, होगी माचे टीचर, घंटी आधारित टीचर, घंटी आधारित पारा टीचर, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा के शिक्षक की बहाली। ये मैं नहीं कहता, ये आपका मुखिया कर रहा है। साथ ही साथ 11,000 PRT शिक्षकों की बहाली 15 अगस्त 2024 तक एवं 15,000 TGT शिक्षकों की बहाली 5 सितंबर 2024 तक किसी भी हालत में करने की डेट लाइन तय। ये चंपई सोरेन द्वारा की गई घोषणा है, आपको प्रूफ के साथ मैं दिखाऊंगा। तो चलिए इसी क्रम में नमस्कार जोहार दोस्तों, सभी का हमारे चैनल में हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। एक एक करके आपको पॉइंट बाई पॉइंट हम बताते जाऊंगा कि कैसे कैसे बहाली होगा और कब होगा। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं जनजातीय क्षेत्रीय भाषा में। जनजातीय क्षेत्रीय भाषा में अभी जैसे मैंने कहा, जनजातीय भाषा के 3538 ये देखिए 3538 पोस्ट हैं, ठीक है, ये जनजातीय भाषा के। उसी तरह क्षेत्रीय भाषा के, क्षेत्रीय भाषा के 8418 देखिए 8418 हो गया। अब दोनों को मिला दीजिए, दोनों मिला के जनजातीय क्षेत्रीय भाषा के कुलपद देखिए, कुलपद एक मिनट, हाँ कुलपद देखिए, ये कुलपद यहाँ देखिए 11956, यह टोटल शिक्षकों की बहाली होगी। बहुत कोई तो यूट्यूब में बता रहे थे 75,000 150,000, कुछ होने वाला नहीं है। देखिए जो होगी सो स्पष्ट है, आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। आप फटाफट कीजिए, प्रखंड मुख्यालय से जाकर संपर्क कीजिए और अपना प्रक्रिया में जुट जाइए और छोड़िए मत। ये चांस छूट गया, जो छूट गया सो छूट गया, यानी आप इसको छोड़िए नहीं, फटाफट जाइए अपना नौकरी पक्का कीजिए। अब देखिए आगे हम लोग पढ़ रहे हैं, ये तो हो गया। उसके बाद और एक चीज़ है जो कि मुख्यमंत्री ने कहा, 15 से 11 प्रारंभिक शिक्षकों को जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाए, ये मुख्यमंत्री का कहना है। देखिए पढ़ दे रहे हैं स्टेटमेंट, सीएम चंपा सोरेन ने प्राथमिक विद्यालयों में जनजातीय भाषा के 3538 यानी 3538 और क्षेत्रीय भाषाओं के 8418 कुल 11956 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि चयनित 1511 प्रारंभिक शिक्षकों को जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाए। श्री सोरेन ने यह भी कहा कि राज्य के उसी स्कूल जिसे कठिन भौगोलिक समस्याओं के कारण बंद कर दिया गया था, उन विद्यालयों में फिर पढ़ाई शुरू कर दिया जाएगा, यानी योजना बना रहा है। अब दोस्तों ये जो 15 से 11 पोस्ट हैं, ये सुनकर तो आप भी आश्चर्य किए होंगे कि 15 से 11 पोस्ट कहाँ बहाल किए गए। तो आइए इसके बारे विस्तार से बता रहे हैं थोड़ा सा। आप धैर्य बनाए रखें, वीडियो में बने रहिए, आपको डिटेल लेके पॉइंट टू पॉइंट आपको जानकारी देंगे। इससे पहले इसका एक वीडियो बना चुका हूँ, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा या माचेत मास्टर की नियुक्ति या शिक्षक बहाली जनजातीय क्षेत्रीय भाषा में, आप देख लीजिएगा, इसी चैनल में है। अब देखिए 2022-23 में जो प्रायोगिक स्तर पर यानी प्रैक्टिकली यानी ट्रायल के स्तर पर प्रयोग किया गया था, किसका प्रयोग किया गया था, जनजातीय क्षेत्रीय भाषा का, तो 6 जिला में प्रयोग किया गया था। उसमें से पहला था गुमला, दूसरा लोहरदगा, तीसरा साहिबगंज, खूंटी, 5वां वेस्ट सिंहभूम और 6ठा सिमडेगा। यहाँ जनजातीय भाषा में पढ़ाई शुरू कर दी गई थी और ये पढ़ाई यूनिसेफ द्वारा शुरू की गई थी। अब यूनिसेफ के बारे भी हम बताएंगे, पहले इनको जान लीजिए। तो गुमला में खड़िया, लोहरदगा में कुड़ुक, सिमडेगा में संथाली, खूंटी में मुंडारी और वेस्ट सिंहभूम में हो, सिमडेगा में खड़िया, इस तरह ये जो है जनजातीय भाषा की पढ़ाई शुरू हो गई थी 22-23 में। और कुल 259 स्कूल में, जिसमें से बता दे रहे हैं आपको कि 31 स्कूल गुमला में, 50 लोहरदगा में, 53 साहेबगंज में, 55 खूंटी में, 50 वेस्ट सिंहभूम में और 20 सिमडेगा में, टोटल 259 स्कूल। इस तरह टोटल बच्चों की संख्या बता दे रहे हैं, गुमला में 2380 बच्चे थे, लोहरदगा में 5794 बच्चे, साहेबगंज में 4361 बच्चे, खूंटी में 3852 बच्चे और वेस्ट सिंहभूम में 6200
35 बचे, सिमडेगा में 1388 बचे, कुल 24010 बच्चे 22-23 से ही पढ़ाई शुरू कर दिए हैं। और उसी का परिणाम रहा कि ये सक्सेस रहा। और सक्सेस में यूनिसेफ कहाँ था? यूनिसेफ तो जानते ही हैं, यूनिसेफ यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन एमरजेंसी फंड, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, इसकी स्थापना 11 दिसंबर 1946 को की गई थी। कैसे की थी आपको तो पता है, द्वितीय विश्व युद्ध में जब काफ़ी सैनिक मारे गए तो उनके बच्चों को देखभाल करने वाला कोई नहीं था, तो इसी लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने कोष की स्थापना की, जिसका मेन उद्देश्य था उसके बच्चों को पालन पोषण और उनको राहत कार्य उपलब्ध कराना। तो ये तो समझ में आ गया कि यूनिसेफ द्वारा ये देखभाल की जा रही है। यूनिसेफ को बहुत अच्छा लगा और प्रैक्टिकली छात्रों की उपस्थिति भी बढ़ा और स्कूल में उसका परिणाम भी सकारात्मक रहा, बच्चों का रिजल्ट भी अच्छा आया, इसलिए इसको उसी खुशी में 2400 जिलों में अब लागू किया जा रहा है। और इस 2400 जिलों में टोटल कितने बहाल होंगे? तो अभी मैंने बताया आपको 11956, नोट कर लीजिए, 1511 जो अभी मैंने कहा उसकी नियुक्ति इन 6 जिलों में होगी जिनके बारे में मैंने डिटेल बताया, और जनजाति भाषा के 3538, क्षेत्रीय भाषा के 8418। और ये तो हो गया क्लियर। उसके बाद कौन कौन भाषा में होगा वो तो आपको मालूम ही है, जनजाति भाषा में कौन कौन आता है ये आपको मालूम होना चाहिए। संथाली हो, खड़िया, कुड़ुक, नारी, मालतो, बिरहो और भूमिज, असुर, ये हैं आपका जनजाति भाषा। क्षेत्रीय भाषा में आता है आपका नागपुरी, कुरुमाली, खोरठा, पंचपरगनिया, उड़िया, बांग्ला, ये बगल पड़ोसी राज्यों के हैं उड़िया और बांग्ला, इसलिए इनको लिया गया। तो इस तरह हो गया। उसके बाद मुख्यमंत्री में और घोषणा की जिनके बारे आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। मुख्यमंत्री में क्या घोषणा की तो देखिए, मुख्यमंत्री ने क्या घोषणा की है कि 11000 PRT यानी प्राइमरी शिक्षकों की बहाली 15 अगस्त 2024 तक कर लेना है, किसी भी हालत में उनको नियुक्ति पत्र दे देना है। और 15000 TGT स्नातक शिक्षकों को 5 सितंबर तक बहाली दे देना है। ये मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है। सुनिए, चंपा सोरेन ने सोमवार को स्कूली शिक्षा तथा स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि 15 अगस्त 2024 तक देखिए इंटरमीडिएट स्नातक स्तरीय प्रशिक्षित सहायक 11000 पोस्ट, देखिए ये जो है 11000 पोस्ट के अलावा स्नातक स्तरीय 15000 पोस्ट, देखिए 15000 पदों पर बहाली के 5 सितंबर तक हालात पूरा करें, उन्होंने शिक्षक वाले से पूरा यथाशीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। तो स्पष्ट है दोस्तों, मैं जो भी कहता हूँ प्रूफ के साथ कहता हूँ और आपको जो भी देता हूँ सबूत के साथ देता हूँ। तो आप प्रखंड मुख्यालय में संपर्क में रहिए और लगे रहिए। देखिए इसका हेडिंग में देखिए 15 अगस्त तक 11000 प्राथमिक एवं 5 सितंबर तक 15000 TGT शिक्षकों की नियुक्ति। इसके बाद CM ने शिक्षक नियुक्ति के लिए तय कर दी डेडलाइन, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह नई नई जानकारी के लिए आप वीडियो में देखते रहिए, और आपको कोई समस्या हो तो आप कमेंट कीजिए, और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें और बने रहें। जब तक नियुक्ति प्रक्रिया नहीं होती है तब तक हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे, आप भी मजे लेते रहिए, आप नौकरी कीजिए आराम से, हम लोग आप लोग को मेथड बताएँगे, प्रोसेस बताएँगे। तो जोहार, झारखंड, जय हिंद।